तेरी शादी बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से तेरी शादी होगी। सर मैं चाहती हूँ पुत्र वैसे ही होगी, वैसे ही होगी आपकी भी। मुझे नहीं पता कैसे होगी, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे एक विश्वास है आपकी शादी अच्छे से होगी, बड़े अच्छे से होगी। नहीं मेरा पुत्र रो क्यों रहा है ये बताना, रो क्यों रहा है? आपको चावल अच्छे लगते हैं, खाते हो? नहीं। क्यों? मम्मा नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? मैं तो डैडी के बाहर की चले इकट्ठे कर रहे हम दीदी की शादी के लिए। फिर खाते क्या हो आप? मक्की के रोटी और साग। रोज ही खाते हो? चावल। जड़े मेरे जागत कन्नै पढ़दे हे नी, ओह टब्बरदार होई गे, उंदे घर बच्चे होई गे, ते मिकी बी याद औंदी के मेरा बी राजी होंदा तां उनी बी टब्बरे बड़ा होना। जिस वेलै पुत्तरे दा चेता औंदा नी तां गलानी जां बड्डे ही ओरे डाडी मारी रो। सीधा मछेदी जाएगा, कितना किलोमीटर है? 35। सीधा सीधा रोड ही है, डर भी आएंगे। ठीक। नहीं मेरा पुत्र रो क्यों रहा है ये बताना, रो क्यों रहा है? दीदी को बोला मुझे कपड़े चाहिए शादी के लिए? हाँ। क्या बोलती है? मैं मुझे भी सही नहीं कपड़ों से करनी है, और तुम भी नहीं से करो। कुछ कपड़े वगैरह लिए आपने? कुछ नहीं लिया। तो जो वो आएंगे शादी वाले उनके खाने वाने का कोई इंतजाम किया? नहीं अभी कुछ नहीं किया, कैसे करें देख लेंगे बाद में। जी जनाब। सर मैंने किया था सर कॉल। अच्छा आपने कॉल किया था? तो कितना दूर कहाँ जा रहे हो आप? सर एक्चुअली मुझे माफ करना, मेरी मैं आपके साथ ही था लेकिन थोड़ी बेटी को प्रॉब्लम होगी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अच्छा। तो इधर से कोई 2-2.5 किलोमीटर आगे है, वो आगे से आपने बस स्टैंड से राइट लेना है, मसीदी से। हाँ मछेदी से, मछेदी राइट लेना है, थोड़ा सा आगे जाके उनका घर है, मेरा भाई है आगे, मैं उसको बता दिया, वो आपको बता देगा, बता देंगे कहाँ जाना। केस क्या है, क्या हालात उनके? केस ये है कि उनके पास तो खाने के लिए राशन नहीं है, बेटी की शादी कहाँ से करेगी, बहुत मजबूर है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। फादर साहब की लड़की के फादर की डेथ हो गई हुई है, बड़ा भाई था जवान था, वो उसकी भी डेथ हो गई अचानक अटैक से। तो अब आप के माध्यम से नहीं, कोई बात नहीं भाजी, कोई बात नहीं, ठीक है, 2.5-3 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है भाजी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाओ, आप जाओ। पिछले साल भी एक तोड़ा इन्होंने दिया था, हमारे घर दिया। जम्मू से 150 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। फोटोग्राफ आए थे, एक बच्ची की शादी है, 24 जुलाई को शादी है। जो तस्वीरें आई मुझे अब भी याद है, मुझे कॉल किया था शीमा बेगम ने। शीमा बेगम ने सिर्फ एक बात कही मुझे, मैंने पूछा
केस जेन्युइन है, सच है। उन्होंने कहा भाई साहब इतना समझ लो, एक छोटी बच्ची है, चावल मांगती है, लेकिन परिवार उसको चावल खाने को नहीं देता है। पहले वो चावल इकट्ठा कर रहे थे अपने पिताजी की बारकी के लिए, बारकी हो गई, फिर से चावल इकट्ठा कर रहे हैं बड़ी बेटी की शादी के लिए। छोटी बच्ची रोती है कि मुझे चावल खाने हैं, रोज मक्की की रोटी और साग बनता है घर में। तस्वीरें जो थी उसने हिला दिया, हिला के रख दिया उसने। ये परिवार है, सबसे पहले कमली देवी है, पति की मृत्यु हो गई, बेटा था 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उसकी भी मृत्यु हो गई, किसी पहाड़ पे पशु चराने गया था, वहां से गिरा, मृत्यु हो गई। ये छोटी बच्ची है, ये चावल मांगती है, मुझे चावल दे दो, परिवार नहीं देता है, इकट्ठा कर रहा था, पहले पिता की बारकी के लिए इकट्ठे किए, अब अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा है, नहीं देते चावल इसको। ये श्रेष्ठा देवी है जिसकी शादी है। मैंने पूछा क्या किया शादी के लिए, उसने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं थे। अब मैं आपको बता दूं, बस यही है जहां मैं बैठा हूं, ये खुला कमरा है इनका और एक ये कमरा है, यहां आज भी इनके घर में साग ही बना है, रोज ही बनता है, डेली ये साग और मक्की की रोटी। वो छोटा बच्चा नहीं समझता है, वो छोटी बहन नहीं समझती है, वो छोटी बच्ची नहीं समझती है, उसको चावल चाहिए। हालात इस तरह के हैं, शादी 24 जुलाई को है, शादी 24 जुलाई को है। आपका नाम क्या है? सुरेशा देवी। कब है शादी? 24 जुलाई। मुझे ये बताओ इस छोटी बच्ची को आप चावल क्यों नहीं देते हो? मम्मा लाते कहीं कहीं से इकट्ठे करके, पहले बार के लिए कर रहे थे, अब शादी के लिए कर रहे हैं, इसको कहाँ से देने हैं फिर? तो घर में कमाने वाला कोई नहीं, नहीं भाई नहीं, पापा कहाँ से देंगे इसको चावल? रोती है वो? रोती है, बहुत ज्यादा चिढ़ती है, पर करना क्या है, कहाँ से देने हैं, शादी के लिए कहाँ से करने हैं फिर, नहीं देते हैं इसको चावल। आप खाना कैसे खाते हो? घर में कमाई करने वाला कोई भी नहीं है तो खाना कैसे खाते हो? लाती है मामा मांग के, तो फिर खाते हैं मक्की का रोटा और साग। मामा भी हैंडीकैप है, पांव में प्रॉब्लम है उनकी, टांग में? हाँ बहुत ज्यादा। क्या हुआ, लगी थी हाथ में भी, पांव में भी? फिर शादी, आपने शादी के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदे? नहीं कुछ नहीं खरीदा है, इन कपड़ों में करेंगे, वो कैसे करेंगे, इन्हीं कपड़ों में शादी होगी? हाँ। आपने मांगा नहीं मां से कुछ? मां कहां से लेगी, बहुत हैंडीकैप है। कुछ सोचा है क्या क्या लेना है, कुछ मन में था कुछ? नहीं कुछ नहीं था, इन कपड़ों में करेंगे और क्या करना है। मैं भी चाहती हूँ जैसे बाकी वाली लड़कियों की होती है वैसे हो, पर कैसे, मेरी माँ खुद हैंडीकैप है, घर में कोई नहीं है कमाने वाला, मांग के लाते हैं फिर खाते हैं हम। तेरा नाम क्या पुत्र? नीलम देवी। चावल खाने हैं? हाँ। कब से नहीं खाए चावल? जब डैडी की बारकी हुई थी तब नहीं खाए थे, उसके बाद नहीं खाए। ये क्यों नहीं देते हैं, मांगते हो आप इनसे? हाँ। ये क्यों नहीं देते? दीदी की शादी और इसी के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। आपने कुछ कपड़े लिए? नहीं कुछ भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पैसे नहीं है। तुम दीदी को बोला मुझे कपड़े चाहिए शादी के लिए? हाँ। क्या बोलती है? वो कर रही है, मैं मुझे भी इन्हीं कपड़ों से करनी है और तुम भी इन्हीं से करो। जब पापा थे तब ठीक था, तब खाते थे चावल?
आज आप चावल खाओगे, आज आप चावल खाओगे। तुसी कैली नहीं चावल देंदे सी? थोड़े जे कटिए दे दो बच्चू, किन्ना फर्क पई जाना। कहां से देने हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो कैसे देंगे। मैंने लड़की की शादी दे दी है अगले महीने की 14 तारीख। शादी का क्या इंतजाम किया? 14 जुलाई को है, 14 अगस्त, 14 जुलाई, 24 जुलाई, 24 जुलाई, 24 जुलाई को है। तो क्या इंतजाम किया आपने? कोई कुछ भी नहीं इंतजाम, कुछ नहीं किया। तो लोग कहाँ आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे? खाना तो खाएंगे वो, इकट्ठे कर रहे हैं चावल, इकट्ठे किए हैं किसी से लाएंगे चावल, इकट्ठे किए हैं। तो बेटी को कुछ लेके नहीं दिया, कपड़े जूते? कुछ भी नहीं दिया है अभी तक, तो पैसा भी नहीं है। मांगती है आपसे वो कुछ? नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगा। इसने क्या करना है, हमारी बाजू को, बाजू भी टूटी हुई है। तो आप घर में जो कुछ होता है कहाँ से लाते हो? ये साग और रोज साग ही बनाते हो, साग और टोडा ही? सर रोज साग और टोडा बनाते हैं, और क्या करना है। हमारे हमारी जे वाली बाजू भी टूटी हुई है। ये कैसे टूटी? जब बेटी ठीक थी तो मैं तिहाड़ी भी ला सकती थी, जैसे बंदे कमाते हैं वैसे भी कमा सकती थी। तो अब बाजू भी टूटी हुई है, वैसे कैसे कमाऊंगी, क्या करना। तो मैं ये सोचती कि मैं अपने जब तक जिंदी हूँगी तो मैं इस लड़की की शादी करवाऊंगी, मगर बेसहारे हैं। डर लगता है कभी मुझे कुछ हो जाएगा तो इनका क्या होगा? जी सर डर लगता है, कुछ नहीं होगा इनका, कुछ नहीं, सब ठीक। हमारे बेसहारे बच्चे हैं, इनका कोई भी ऊपर वाला है ना। माँ रोती क्यों है तू, ऊपर वाला नहीं है? 1.5 साल हुआ हमारे पति ने गुजरे हुए, तो सीमा ने 1.5 साल हुआ मुझे मदद देती, खर्चा हमारे घर पहुँचा देती। पिछले साल भी एक थोड़ा इन्होंने दिया था, हमारे घर दिया, तो इस साल भी दोनों आई हुई थी इधर, जोन्स भी शीमा भी दोनों ने इधर दिए थे चावल। मैं आपको बताता हूँ ये शीमा कौन है, शीबा बेगम है। शीमा बेगम ने साल हमें मदद दी थी। हाँ मुझे पता है, शीमा बेगम के बारे में आपको मैं बता दूं। अब शीमा बेगम वो महिला है जिन्होंने मुझे कॉल किया, फोटो भेजे, कॉल किया। मैंने पूछा शीमा जी आपने इन्वेस्टिगेट किया है? उन्होंने कहा मैं 2 वर्ड्स कहूंगी, आपको आना होगा, आ जाना, नहीं आना होगा मत आना। उन्होंने कहा छोटी बच्ची चावल के लिए तरस रही है, वो रोती है, मुझे चावल दो। उनके घर में रोज सरसों का साग और मक्की का टोडा बनता है, वो बच्चा नहीं समझता कि कहाँ से लाने हैं चावल, कैसे खाने हैं, लेकिन वो चावल मांगती है। बस मैं इतना ही कहूँगी, आपको आना होगा आ जाना, नहीं आना होगा मत आना। ये परिवार बस इतना ही है, कमाने वाला कोई नहीं, बस यही कहानी है जनाब, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँगा आपको। 24 जुलाई को शादी है। आपका नाम क्या बेटा? सुरेशा देवी की 24 जुलाई को शादी है, लेकिन मेरा मन कहता है, मुझे पता है जो आपने जो फैसला किया है वो फैसला आपका जानता हूं मैं, मुझे लगता है सुरेशा के पास वो सब कुछ होगा जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकती, ये सोच भी नहीं सकती, वो सब होगा। शुक्रगुजार हूं मैं शीमा बेगम का, शुक्रगुजार हूं। बस यही कहानी है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, 10 स्टेट सेंटिनल के लिए।